से ताली बजाएं। और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों। इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं आप सबको, इस इलाके के नागरिकों को एक विशेष बधाई देता हूं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, जंगल भी बहुत है, वन्य पशु भी बहुत जगह पे हैं, लेकिन ये चीते आपके यहां आने का भारत सरकार ने निर्णय क्यों किया, क्या कभी आपने सोचा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये चीता आपको सुप्रत इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। आप मुसीबत झेलेंगे लेकिन चीते पर मुसीबत नहीं आने देंगे, ये मेरा विश्वास। इसी के कारण आज मैं आप सबको ये 8 चीतों की जिम्मेवारी सुपुर्द करने के लिए आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है इस देश के लोगों ने कभी मेरे भरोसे को तोड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश के लोगों ने कभी भी मेरे भरोसे पर आंच नहीं आने दी है। और ये सोपोर इलाके के लोगों को भी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भरोसे पर आंच नहीं आने देंगे। आज मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह द्वारा राज्य में 10 लाख पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप सभी का यह संगठित प्रयास, भारत का पर्यावरण के प्रति प्रेम, पौधे में भी परमात्मा देखने वाला मेरा देश, आज के आप इन प्रयासों से भारत को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। साथियों, पिछली शताब्दी के भारत और इस शताब्दी के नए भारत में एक बहुत बड़ा अंतर हमारी नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां श्योपुर जिले में एक मेरी आदिवासी बहन जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 बहनें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। ये बड़े बदलाव का संकेत है, बड़े परिवर्तन का आह्वान है। साथियों, आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर
सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही है। आज जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम सबने देखा है कैसे जब हर घर में तिरंगा फहरा तो उसमें आप सभी बहनों ने, महिला स्वयं सहायता समूहों ने कितना बड़ा काम किया है। आपके बनाए तिरंगों ने राष्ट्रीय गौरव के क्षण को चार चांद लगा दिए।